पहाड़ों पर सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण मंगलवार को मैदानी क्षेत्रों का मौसम बदल गया। कोहरे की चादर, बर्फीली हवा और घने बादल के कारण सुबह हाड़ कपाती ठंड रही। कड़ाके की ठंड ने लोगों को बेदम कर दिया। मंगलवार की सुबह बड़ी आर्द्रता में तेज रफ्तार हवाओं के कारण गलन में इजाफा हो गया। सुबह 10 बजे से कोहरा छटने लगा। दिन में धूप खिली, वहीं मौसम में अचानक बदलाव को लेकर किसानों में खुशी दिखी, वहीं राहगीरों को कुछ दिक्कतें हुईं। कोहरे की वजह से जमीन में नमी रहने के कारण फसलें अच्छी होंगी, पैदावार अच्छा होगा, लेकिन सुबह ड्यूटी और अपने निजी कार्यों से आने जाने वाले लोगों के लिए कोहरे का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए राहगीर सच्चिदानंद पांडे और किसान राजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, यही कौड़ीराम के आगे से आ रहे हैं वस्तुपार से, और कोहरे में जो है दिखाई नहीं दे रहा है। किसी तरह से मतलब धीरे धीरे गाड़ी चला के आ रहे हैं। इस कोहरे से फसलों को कितना फायदा मिलेगा? अब कोहरे से फसल को अभी तो नहीं बता पाएंगे हम, नुकसान है कि फायदा है। राजेंद्र प्रसाद यादव हरदिया। ऐसी बात है बाबू कि इस यह फसल ही करते हैं, 90% हर फसल करते हैं फायदा है। जितना रबी वाली फसल है, गेहूं, जौ, मटर, चना, कोहरा है इसलिए फायदा है। इसके पहले कोहरा नहीं पड़ रहा था तो किसानों को मतलब क्या दिक्कत हो रही है? किसानों की दिक्कत थी कि किसानों की फसल बढ़ती नहीं थी, जहाँ की तहाँ पड़ी थी। कोहरा नहीं पड़ेगा तो फसल बढ़ेगी नहीं।